मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ फोटो खिंचवाई थी। इस फोटो में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं थे। फोटो से दोनों उप मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी को देखकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी फोटो को ट्वीट कर यूपी सरकार से तीन सवाल किए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल यूपी में गत शुक्रवार को बजट सत्र का अंतिम दिन था। इस दौरान विधानसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ मंत्री विधायकों की ग्रुप फोटो ली गई थी। इस फोटो में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं थे, जिसे लेकर अब अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायकों की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का ये स्पष्टीकरण आए कि क्या वो लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए, क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं, क्या उनकी गिनती होती भी है या नहीं। विधानसभा बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की दोनों उप मुख्यमंत्रियों से कई बार बहस हुई। इस दौरान दोनों सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधानमंडल के दोनों सदनों में दोनों उप मुख्यमंत्रियों की फोटो न होने पर सवाल खड़े किए गए। बता दें, यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 11 दिन चला। इस दौरान सिर्फ 36 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि 18वीं विधानसभा का ये चौथा सत्र था। इसमें कुल 83 घंटे 15 मिनट सदन की कार्यवाही चली, जिसमें सिर्फ 36 मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही। विधानसभा अध्यक्ष ने होली की शुभकामनाओं के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी है।